हाय फ्रेंड्स, पूनम की रसोई में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे भरवा बैगन। तो जिसके लिए मैंने छोटे छोटे से बैगन ले लिए हैं, इन्हें हम मसाला भर के बनाएंगे, जिसे हम भरवा बैगन कहते हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं छोटे छोटे से बैगन। तो इनके लिए हमें कौन से मसाले की ज़रूरत पड़ेगी, तो चलिए हम मसाले निकालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें हम 2 चम्मच भर के पिसी धनिया डालेंगे। तो मैं 2 चम्मच भर के पिसी धनिया ले रही हूँ, थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर ले रही हूँ और थोड़ा सा ही मैं लाल मिर्ची पाउडर ले रही हूँ और थोड़ा सा हमारा गरम मसाला। और इसमें अब हम स्वाद अनुसार अपना नमक डालेंगे, आप नमक अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हो। तो मैं थोड़ा सा इसमें नमक डालूँगी, तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे अब। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने मसाले को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम चलते हैं अपनी गैस की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना पैन गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा ही सा हमें डालना है, ज़्यादा हमें नहीं डालना है इसमें ऑयल। और इसमें अब हम अपनी हींग डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छे से डाल के हमें भूनना है। अच्छे से हमें इसी तरह ही भूनना है इसे। एक मिनट लगेगा हमें इसे भूनने में, अच्छे से भून लेना हमें बहुत अच्छे से एकदम। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा लहसुन अदरक भून चुका है। अब इसमें हम 2 चम्मच अपना बेसन डाल देंगे और इसे भी हमें धीमी धीमी आंच में, बिल्कुल गैस हमें एकदम स्लो रखनी है और इसे धीरे धीरे भूनना है अच्छे से। अच्छे से हम इसमें भून लेते हैं इसे, तो हमें 1 से 2 मिनट लगेंगे इसे भूनने में, जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू ना आने लगे हमारे बेसन भुनने की, तब तक हम इसे भूनना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा बेसन भुन चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अपने मसाले में ये अपना भुना हुआ बेसन मिक्स कर देंगे और इसे अच्छे से हमें निकाल लेना है। और इसमें हम थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसे अच्छा सा एक उसमें स्टफिंग बना लेनी है इसमें भरने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसे अच्छे से भून लेंगे, हम मसाला अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसमें दही मिक्स करना चाहते हो तो दही भी मिक्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पानी मिक्स कर रही हूँ क्योंकि हमें अपनी स्टफिंग अच्छे से भरनी है अपने बैगन के अंदर। ये देखिए, बस हमें इतने ही इसे गीला करना है, ज़्यादा गीला नहीं करना है। बस हमारी स्टफिंग बनके ये तैयार है और अब हम अपने बैगनों को काटेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने बैगनों को अच्छे से धो करके सुखा लिया है और अब हम एक एक बैगन लेंगे, इसे ऐसे बीच से काटेंगे। इसे देख लेना इसमें कीड़ा वगैरह ना हो फ्रेंड्स। और ऐसे ये देखिए, बैगन पहले से मत काट के रखिएगा, क्योंकि अगर आप पहले से काट के रख दोगे तो इसमें कालापन आ जाएगा। तो इसलिए पहले मत काट के रखिएगा, इसमें जब आपको स्टफिंग भरनी हो तो ही काट के रखिएगा। अब इनमें हम अच्छे से हाथों की मदद से मसाला भर देंगे। अच्छे से बिल्कुल भरिएगा मसाला ताकि एकदम अंदर अच्छे से फिल हो जाए पूरा, बिल्कुल अच्छे से ही इसमें कवर कर दीजिएगा आप। तो देखिए, मैंने अच्छे से इसे कवर कर दिया है और अब हम सारे ऐसे तैयार कर लेते हैं।
मसाले अच्छे से भर लेते हैं हम इसमें अपने बैगनों में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने बैगन में अच्छे से मसाला देखिए भर दिया है चारों तरफ से। ये देखिए मैंने अच्छे से सारे अपने बैगनों में भर दिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने गैस की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने उसी पैन में जिसमें मैंने अपने बेसन को भुना हुआ था उसी पैन में अब मैं ऑयल डाल दूँगी। और इसे अच्छा सा गरम एकदम कर लेंगे अच्छे से इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा तेल हो चुका है। अब हम इसमें एक एक अपने बैगन डाल देंगे। आपके जितने इसमें आ पाए पैन में आपके आराम से आप डाल दीजिएगा जहाँ जहाँ जगह बची हुई है। देखिए एक एक अच्छे से डाल दीजिए और इसे हमें ऐसे धीमी धीमी आंच में इसे पकाना है। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और हम ढक्कन खोलते हैं और इन्हें पलट देते हैं अच्छे से ताकि ये दूसरे तरफ से भी अच्छे से पक जाएं। सारों को हमें ऐसे अच्छे से पलट देना है। अब ये देखिए थोड़ा पक ही चुके हैं। अब 2 से 3 मिनट हम और इसे ढक कर के ऐसे ही पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारे बैगन भी अच्छे से पक चुके हैं। मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखिए कितने आराम से मैं चाकू चला जा रहा है तो हमारा अच्छे से बैगन गल चुके हैं। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं इसे एक प्लेट में। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे बैगन मैंने एक प्लेट में इनको निकाल लिया है। तो देखिए कितने अच्छे तरह फ्राई हुए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं, अच्छे से मसाला इसमें भरा हुआ है। तो आप भी फ्रेंड्स ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये भरवा बैगन बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत 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 अच्छे बनते हैं, बहुत यमी भी लगते हैं। आप चाहे इन्हें पूड़ी के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, ये बहुत अच्छा बहुत 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 अच्छे लगते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूला करें और कमेंट में ज़रूर बताया करिए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।